दिल्ली सरकार ने किन्नर समाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है कि जो किन्नर समाज है अब बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। आपके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौगात दी है कि आप बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी, तो कितना लाभ आपको इसका लग रहा है और कितनी खुशी आप लोगों के मन में है? लाभ ही लाभ है, बहुत खुशियां हैं। जो काम कोई नहीं कर पाया, जो काम कोई नेता नहीं कर पाया, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए उन्होंने इतना सोचा। ठीक है, बीच में अभी हम थे तो महिलाओं के लिए टिकट फ्री हुई किन्नरों का, उसके अंदर कोई अच्छे का नहीं, कोई बुरे का नहीं। आज तक किसी नेता ने किन्नरों के लिए कुछ करा ही नहीं, पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो आज के इस दिन, आज की तारीख पे हमारी, हम जैसे कि किन्नर हैं, जैसे और भी आप मेल है, फीमेल है या जनता है, उनको जैसे सम्मानित करा जाता, तो आज हमारे को भी करा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के बदौलत। और हमें बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि जितने हमारे किन्नर भाई बहन हैं जो कहीं नहीं जा सकते थे या नहीं जा पाते थे किसी भी रीजन से, वो अब हर जगह जा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना आपको इस यात्रा से लाभ मिलने वाला है, जो सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है? लाभ तो देखो ये होने वाला है ना कि इस चीज की, उससे हमें बहुत सारी और भी मतलब वो मिलेंगे अधिकार टाइप। तो थैंक यू सो मच केजरीवाल सर जी, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज हमारे लिए आपने इतना सोचा, ये आज तक किसी नेता ने नहीं करा था, जिस किसी ने भी, हम लोगों को हमेशा आदर करके ही, दो लोगों के बारे में ही हमेशा सोचा है। केजरीवाल सर थैंक यू सो मच, आपने हमारा सोचा, हमारा नाम लिया, हमारे लिए इतना करा, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, इससे पहले भी देखिए सरकार रही है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन किन्नर समाज के लिए इतना नहीं सोचा गया है। आज अगर हम बात करें तो देखिए मुफ्त में यात्रा आप कर पाएंगी, तो क्या कहेंगी, जो बीती सरकार है वो इतना नहीं सोच पाई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ा फैसला ये लिया है? सिर्फ हमारी तरफ से तो सिर्फ यही कहना है कि जो लेडीजों के लिए सब कुछ करा था, ये टिकट, ये बस, ये फ्री जाना, ये सब कुछ, मतलब ये किन्नरों के लिए कभी भी ये सब चीज़ हमने नहीं देखा था, पर ये जब से केजरीवाल जी आए हैं उनों के वजह से ये सब चीज़ें हमने देखने को मिली है, इन चीज़ों से हमें आदर सम्मान मिला है। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक्स करते हैं केजरीवाल जी को, इस चीज़ से हमारी तरफ से नमस्कार भी, और बहुत बहुत खुशियाँ हैं हमें, बधाइयाँ हमारी तरफ से इन चीज़ों के लिए, ऑप्शन उठाने के लिए, थैंक यू। ये काम आज तक किसी ने नहीं करा, हमें हर जगह से ना धुतकारा गया है और हमारे को गर्व है कि और इस चीज पे हकीकत में गर्व है हम पे। और हर बार केजरीवाल सर आप जीतो, हमारी यही दिल से दुआ है, आप हर बार आओ दिल्ली में, घर घर केजरीवाल सर। देखिए ये वो किन्नर समाज के लोग थे जो यहाँ पर एक मोहल्ले में हमें मिले, हमने इन लोगों से बातचीत की, तो देखिए इनकी आंखों में आप देखेंगे तो आंसू नजर आ रहे हैं। इन सभी लोगों का कहना यह है कि पहले भी सरकार रही लेकिन किसी के लिए नहीं सोचा गया, किन्नर समाज की अगर हम बात करें तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया किन्नर समाज के लिए कि मुफ्त में वो यात्रा कर पाएंगे, इनका कहना है कि जो बसों में अब मुफ्त यात्रा की गई है, इनसे बहुत ज्यादा सहूलियत इन किन्नर समाज को मिलने वाली है। इन किन्नर समाज में अब खुशी की लहर है, उम्मीद कर रही है सरकार से कि किन्नर समाज के लिए और भी ज्यादा सोचा जाएगा और किन्नर समाज हर चीज में आगे अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन निशांत के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली।